नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जैपनीज एक सीरीज जिसका नाम है टोक्यो स्विंडलर्स। स्विंडलर्स का मतलब यानी कि ठग, यानी कि टोक्यो के ठग। देखो ये मेरी पहली जैपनीज सीरीज रही है, हालांकि मैंने जैपनीज एनिमे सीरीज तो बहुत देखी है, लेकिन जैपनीज की एक लाइव एक्शन सीरीज फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। तो इसके अंदर 7 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ अलग अलग है, मतलब कुछ एक एपिसोड 1-1 घंटे के आसपास है, लेकिन कुछ एक एपिसोड 40 मिनट या 35 मिनट के आसपास भी है। और जिन्होंने सीरीज देख ली है उनके दिमाग में ये सवाल आ भी रहा होगा कि क्या ये सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसका जवाब दूंगा इस वीडियो के एंड तक, आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलने वाला है, मतलब इसकी अच्छी अच्छी बातों पर, कमियों के ऊपर बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी कहानी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जापान में एक गिरोह यानी कि जो भूमाफिया जिनको कहा गया है कि वो वहां के लोगों के साथ करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, लोगों के साथ झूठी डील करके, उनको झूठी जमीन बेचकर कि हाँ ये जमीन उनकी है, या फिर वो उनकी डील कर रहे हैं, बावजूद होती वो जमीन किसी और की है। बाद में लोगों को पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हो गया है, किसी ने झूठ बोलकर उनको ये जमीन बेच दी है, लेकिन वो उनकी थी नहीं। और एक ऐसा ही ग्रुप जिसका लीडर होता है हैरिसन और उसकी टीम होती है। तो अब ये लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े स्कैम कर चुके हैं, लेकिन अब ये 1,000 करोड़ येन का स्कैम करने वाले हैं, मतलब अगर भारतीय करेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट करूं तो 550 करोड़ रुपए का ये स्कैम करने जा रहे हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या क्या वो टेक्निक अपनाते हैं, तो इसके लिए तो देखो आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि इस सीरीज के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या कमियां। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी बढ़िया बढ़िया बातें उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जापान के अंदर कैसे रियल इस्टेट के अंदर स्कैम होता है ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आते हैं कि यार इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, कैसे ये डॉक्यूमेंट को जाली बना के यूज करेंगे। एक एडवांस कंट्री है तो यहाँ पर चोर कितने ज्यादा एडवांस होते हैं, तो ये सब चीजें देखते हैं तो वो काफी ज्यादा मजेदार लगता है। और ऑब्वियसली इसके अंदर 550 करोड़ रुपए का स्कैम होने वाला है, तो इतनी बड़ी कंपनी जो है यानी कि जो इसके अंदर जो बायर है कि ऑब्वियसली जो ये सेलर हो गए जो ठग है वो तो झूठ बोल के जमीन बेच रहे हैं कि हाँ ये जमीन उनकी है, या फिर ये जमीन का जो मालिक है उन्होंने इसको ठेका दिया है इन ठग को कि ये जमीन बेचें। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे इनके जाल के अंदर फंसती हैं ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। साथ साथ जो सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ज्यादा इंटेंस जो सीन होते हैं उसको और ज्यादा इंटेंस करता है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी एक अच्छी बात है। और इसके अलावा जो हैरिसन का जो करेक्टर है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आप इस करेक्टर को जब देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम इसलिए कर रहा हो कि इसको पैसे चाहिए हैं, ये एक बहुत बड़ा ठग बनना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये एक्चुअल में जो इसके स्कैम करने के पीछे रीजन है कि इसको किक मिलती है, कोई भी ऐसा काम करने में जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, किसी ने सोचा ना हो वैसा काम करने में इसको किक आती है। तो इसके लिए तो ये काफी ज्यादा हदें भी पार कर चुका है। सीरीज जो है वो दिखने में काफी ज्यादा रिच है, मतलब कि इसमें आप जो करेक्टर देखेंगे वेल ड्रेसअप मिलेंगे, उनका गेटअप बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक और करेक्टर है ताकुमी सुजीमोतो, एक तो नाम बड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो इस सुजीमोतो की जो एक कहानी जो है साइड बाय साइड दिखाई जाती है कि वो भूमाफिया क्यों बना, उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये जो इसका करेक्टर डेवलपमेंट है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो ये चीजें अच्छी होगी इस मूवी इस सीरीज के बारे में। जो अब इस सीरीज के अंदर कमियां हैं उनकी हम चर्चा करें, तो देखो यार इसके अंदर आप एक्सेप्ट करते हो कि यार जो स्कैम देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपको टर्न एंड ट्विस्ट भी आप उम्मीद करते हो कि यहाँ टर्न एंड ट्विस्ट भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत एक सिंपल सी डील होती है जो ठग है और जो बायर है उनके बीच में, आप उम्मीद करते हो कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे इस गड़बड़ को हैंडल करेगा, क्या इसके पास कोई सीक्रेट प्लान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो आपको एक निराश करेगी। दिखने में तो सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा बढ़िया होता है, लगता है कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, लेकिन वो एक बिल्कुल सिंपल सी डील निकल जाती है। इससे बढ़िया बढ़िया स्कैम तो यार आपने जो अपने ही देश के अंदर देखे होंगे कि हर्षद मेहता जो स्कैम आपने देखा है, इसके अलावा एक और जो स्कैम था मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो ये जो आपने देखा स्कैम के अंदर इसमें जो एक ऑब्वियसली रियल घटनाओं के ऊपर आधारित है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अब बात करें कि क्या इसके अंदर वाकई में जो सब चीजें हुई हैं, भू माफिया जो इसके अंदर दिखाया गया क्या वो रियल घटनाओं पर आधारित है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी मैंने पढ़ा है कुछ एक जगह मुझे मिला कि हाँ यार ये कुछ जो व्यूअर्स हैं रिव्यू कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये कुछ जो टोक्यो के अंदर यानी जापान के अंदर एक्चुअल में सब चीजें हुई थी, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर या फिर मैंने और ज्यादा सर्च किया तो मुझे कुछ भी ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिले कि हाँ ये सब चीजें रियल में हुई थी। क्योंकि इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे ना कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं कि जो ये फील कराती हैं कि यार हाँ यार ये रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल इंसिडेंट के ऊपर तो आधारित मुझे तो नहीं मिला ऐसा कोई वाक्य, या फिर ऐसे कोई मुझे फैक्ट नहीं मिले जो मैं कह सकूं कि ये सीरीज जो है वो रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित हो। एक कह सकते हैं कि ये एक माइनस पॉइंट है इस सीरीज के लिए। इसके अलावा सीरीज के अंदर काफी सारे सीन जो है वो इलॉजिकल है, जैसे कि पुलिस यहां पर कुछ भी काम नहीं कर रही, वो क्या झक मार रहे हैं, पुलिस का मर्डर हो जाता है फिर भी यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हैरिसन जिसकी
फोटो जो है वो पुलिस स्टेशन में भी है, सब पुलिस वालों के पास भी है, लेकिन बावजूद उसके कोई उसको पकड़ नहीं रहा, वो खुलेआम घूम रहा है। जो हैरिसन का जो साथी है उनकी भी फोटो जो है वो पुलिस वालों के पास है, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने जो ये जो ठग है इनको फ्री हैंड दे रखा है कि यार जाओ यार खुलेआम तुम स्कैम करो। तो ये जो इलॉजिकल सीन दिखाए हैं तो वो एक तरीके से इस सीरीज का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट का जो एक एपिसोड है जहां पर यार मैं कह सकता हूँ कि पूरी गुड़गोबर कर देते हैं इस सीरीज का, कि भाई हैरिसन सामने है, पुलिस वाला सामने है, बावजूद इसके उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, यार ये क्या दिखा रहे हो यार, कि सीरीज का एक और सीजन लेके आना है, उसके अंदर एक नया स्कैम दिखाना है। यहां पर जो स्कैम हमें देखने को मिला है वो उस लेवल का था ही नहीं कि हमें उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया। हाँ, शुरुआत में इंटरेस्ट बनता है कि यार टोक्यो में कैसे स्कैम हुआ होगा, मतलब जापान में कैसे स्कैम हुआ होगा, वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे यूज की होगी, जो ठग है उन्होंने कैसे 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 लोगों को ठगा होगा, वो देखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आता है। लेकिन आप देखेंगे कि एक स्कैम होने के बाद जब वो दूसरे स्कैम पे जाते हैं तो पैटर्न तो वही रहता है, हाँ बस कंपनी बड़ी हो गई है, रकम बड़ी हो गई है, तो उससे उनका कोई तौर तरीका नहीं बदला है। तौर तरीके वही थे जो छोटी कंपनियों को ठगने के थे, वही बड़ी कंपनी को ठगने के उन्होंने तौर तरीके अपना लिए। तो इतना ज्यादा मजा नहीं आता है लास्ट के कुछ एपिसोड्स के अंदर, और लास्ट वाला एपिसोड तो मैं कह सकता हूँ कि यार वो बहुत ज्यादा निराश करता है। मेरी तरफ से तो देखो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखा तो शायद आप इसको वन टाइम तो कंसिडर कर ही सकते हो। हिंदी डबिंग की बात करें तो हाँ डेफिनेटली हिंदी डबिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। कुछ एक एडल्ट सीन भी है तो उस बिहाव से बच्चे इस सीरीज से दूर रहे, या कि जो पेरेंट्स हैं वो इस तरीके की सीरीज बच्चों को ना देखने दें। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।